यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की दबिश का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने जगाधरी की ईशोपुर कॉलोनी के एक डिपो पर दबिश दी। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौजूद रही। वहीं अधिकारियों ने जब डिपो में कागजात और अनाज का स्टॉक जांचा तो उसमें कई तरह की खामियां नजर आई। स्टॉक कम था हमारे पास डिपो का। क्यों कम हुआ? ये खराब हो चुका था स्टॉक हमारे पास पहले, तो फिर उसकी रिकवरी के लिए अभी थोड़ी फाइनेंशियल ठीक नहीं थे। तो खराब माल कहाँ गया? वो मशीन मत एक पद उकड़वा लो। क्या खराब माल कहाँ गया? खराब माल फेंकवा दिया था, जो खराब हो गया था, कीड़े हो गए थे आटे पर। अच्छा, तो आपने भी बाप को बताया था? पहले एक बार बात करी थी, तो फिर प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसकी वजह से बात हो नहीं पाई पूरी। क्या क्या कम था? आटा और गेहूँ। कितनी मात्रा में थे ये तो अप्रोक्स बता नहीं सकता मैं उसी में। कितने टाइम पहले खराब हुआ था? हो गया साल के आसपास हो गया, बारिश के पानी की वजह से। मामला ये, आज सुबह मुख्यमंत्री उड़न दस्ता पंचकुला इकाई द्वारा मुझे फ़ोन पर संपर्क किया गया और फ़ोन में ये बताया गया कि किसी राशन डिपो की चेकिंग करनी है। तो हम मौके पर राशन डिपो पर पहुंचे जो ईशापुर कॉलोनी जगाधरी में स्थित है। राशन डिपो बंद था, डिपो धारक को फ़ोन पर संपर्क किया गया परंतु मोबाइल बंद था जिसके कारण उसे संपर्क नहीं हो पाया। दफ्तर के सेवादार श्री शेरपाल को हमने डिपो धारक के घर भेजा, वहाँ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुनः कई बार प्रयास किया गया क्योंकि डिपो के धारक के जो नॉमिनी थे उनको भी संपर्क किया गया, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। फ़ोन बंद होने के कारण स्थानीय पुलिस तथा मुख्यमंत्री उड़न दस्ता पंचकुला इकाई की मौजूदगी में मेरे द्वारा जो है, मेरे और शेरपाल द्वारा जो है, डिपो का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर हमने मौके पर निरीक्षण किया। मौका मुताबिक जो पोस मशीन में माल होना चाहिए था और जो मौका मुताबिक स्टॉक पाया गया वह काफ़ी कम है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आटा 90 क्विंटल के करीब कम है और आपके पास जो गेहूँ है वो अप्रॉक्सीमेटली 87 क्विंटल 87 क्विंटल के करीब जो है गेहूँ कम पाई गई है और चीनी जो है वो 4.5 क्विंटल के करीब कम पाई गई है। तो ये तीन कमोडिटीज़ हैं जो कम है, बाजरा पूर्ण मात्रा में पाया गया। तो किस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर, कौन है? ये श्रीमती नरेश कुमारी हैं जो जिनका डिपो ईशोपुर कॉलोनी जगाधरी में स्थित है, उनके खिलाफ ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्लस सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। सर पहले भी इस डिपो पर कोई अनियमितता का मामला नहीं, आज तक इस तरह का कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में नहीं है। रेस्टोरेंट में डिपो चलाया जा रहा है तो ये कितना इस मामले में विभाग के पास इस तरह का कोई भी मामला नहीं है, ना विभाग की जानकारी में है। ये डिपो धारक ने कैसे शिफ्ट किया है ये हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं है।